यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूसी सेना के ठिकानों पर उसके मॉर्टर हमला करते दिखे। ये वीडियो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव का बताया गया, जहां जेलेंस्की की सेना के कुछ जवान झाड़ियों में छिपकर मॉर्टर से रूसी ठिकाने पर फायरिंग करते नजर आए। जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के सैनिक पहले अपने कमांडर के आदेश पर पोजीशन लेते दिखे और फिर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। जिस जगह यह हमला हुआ वहां भारी मात्रा में जमीन पर गोले भी दिखे, जिनकी मदद से जेलेंस्की की सेना ने रूस के ठिकानों पर लगातार गोलाबारी की, जबकि एक सैनिक अलर्ट होकर दूरबीन से रूस के ठिकानों पर निगरानी करता देखा गया। रूस के ठिकानों पर दूरबीन से नजर रखने वाला ये सैनिक पूर्व अमेरिकी जवान बताया गया, जो पहले इराक में तैनात था और अब यूक्रेन की सेना में शामिल हो गया। वहीं लुहांस्क के एक इलाके में रूसी सेना का रास्ता रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने एक पुल को ही बम से उड़ा दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस पुल के रास्ते पुतिन की सेना लुहांस्क के कुछ इलाकों पर चढ़ाई करने की तैयारी में थी और इसी वजह से जेलेंस्की की सेना ने बम लगाकर पुल को ही ध्वस्त कर दिया ताकि उसका इस्तेमाल कर रूसी सेना उस इलाके में दाखिल न हो सके। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुल के नीचे एक जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाका इतना ताकतवर था कि उससे पूरा इलाका थर्रा उठा। धमाके के बाद वहां आग का बवंडर उठता दिखा, जबकि उससे निकलने वाले धूल और धुएं के गुबार ने आसपास के इलाके को ढक लिया। पुल को उड़ाने से पहले यूक्रेन की तरफ से इसकी तैयारी भी की गई। सबसे पहले जेलेंस्की के सैनिकों ने एक गाड़ी में बम भरे और फिर उसे लेकर पुल के पास पहुंच गए। इसके बाद पुल को गिराने के लिए उसके नीचे बम लगाए गए। उन्हें सही जगह पर रखने के बाद सभी को एक तार से जोड़ दिया गया। इस दौरान वहां यूक्रेन के कई दूसरे सैनिक भी हथियारों के साथ तैनात रहे। सारी तैयारी होने के बाद एक रिमोट के जरिए बमों में धमाका कर पुल को उड़ा दिया गया। उधर यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने सैन्य अभ्यास का एक वीडियो जारी कर अपनी ताकत दिखाई। रूस की सेना ने यह अभ्यास कमचटका प्रायद्वीप के पास अवाचा खाड़ी में किया, जिसमें उसके दो जंगी जहाजों से जमकर मिसाइल और गोले दागे गए। रूसी सेना ने सैन्य अभ्यास के दौरान एक जंगी जहाज पर तैनात की गई तोप से एक के बाद एक कई गोले दागे। यही नहीं, सैन्य अभ्यास में रूस ने वहां रॉकेट भी दागा। जंगी जहाज से छोड़े गए रॉकेट ने कई किलोमीटर दूर जाकर निशाने पर वार किया। इसके बाद रूस अपने सबसे घातक हथियार का भी इस्तेमाल करता नजर आया। रूसी सेना ने वहां फॉस्फोरस बम भी छोड़ा, वही फॉस्फोरस बम जिसके जंग में इस्तेमाल का आरोप यूक्रेन ने कई बार लगाया। चार दिन पहले ही मारियोपुल से आई तस्वीरों में आसमान में चमकते ऐसे ही शोले दिखाई दिए थे, जो जमीन पर गिरते ही सफेद गाढ़ा धुआं छोड़ रहे थे। तब यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस ने वहां फॉस्फोरस बम से हमला किया था। उधर जंग के ढाई महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद रूस ने अब अपने एक और बेहद आधुनिक हथियार को मैदान में उतार दिया। रूस के मुताबिक उसकी सेना पिछले कुछ दिनों से युद्ध में लेजर वेपन का इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं, रूस ने एक और खतरनाक लेजर वेपन के सफल परीक्षण का भी दावा किया, जो ड्रोन और सैटेलाइट दोनों के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया। रूस के डिप्टी पीएम ने नई पीढ़ी के इस खास हथियार की जानकारी दी और दावा किया कि यह हवा में उड़ते ड्रोन को पल भर में राख कर सकता है। यही नहीं, इस हथियार की मदद से धरती के ऊपर तैनात सैटेलाइट को भी आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। रूस के इस लेजर वेपन का सामने आया एक वीडियो ये दिखाता है कि अब तक इसे पूरी दुनिया की नजरों से कैसे छिपाकर रखा गया। वीडियो में रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के बीच एक बड़ी सी गाड़ी पर लेजर वेपन सिस्टम लगा दिखाई दिया। इसके बाद एक सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद लेजर वेपन को बाहर निकाला गया। रूस ने दावा किया कि इस हथियार की मदद से उसने एक ड्रोन को आसानी से तबाह कर दिया। हालांकि उसके इस आधुनिक लेजर वेपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन रूस ने यह जरूर बता दिया कि जंग में यूक्रेन को कई देशों से मिले घातक ड्रोन का तोड़ उसने निकाल लिया। यानी अमेरिका के दिए स्विच ब्लेड और फीनिक्स गोस्ट ड्रोन का शिकारी पुतिन की सेना के पास आ गया, क्योंकि यूक्रेन के साथ इतनी लंबी खिंची जंग में रूस के लिए ड्रोन ही सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुए। रूस के टैंकों के परखचे उड़ा देने वाले ड्रोन रूसी सेना के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं रहे और अब रूस की सेना को ऐसे हथियार की ताकत मिल रही है जो ड्रोन को पल में तबाह कर देते हैं। रूस ने दावा किया कि परीक्षण के दौरान उसके इस हथियार ने बड़ी ही आसानी से एक ड्रोन को हवा में जला दिया। बताया गया कि 5 किलोमीटर दूर से भी लेजर वेपन ने महज 5 सेकंड में ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन की सेना के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि रूस का यह हथियार सिर्फ ड्रोन ही नहीं धरती के ऊपर तैर रही सैटेलाइट के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। हालांकि रूस ने यह दावा भी किया कि वो इससे मिलते जुलते हथियार का इस्तेमाल कुछ रोज पहले से ही यूक्रेन की जंग में कर रहा है
और रूस के मुताबिक ये आसानी से हजारों मीटर ऊपर घूम रही सैटेलाइट को बर्बाद कर सकता है। यानी रूस की नजर अब उन सैटेलाइट पर भी है जिनके युद्ध में यूक्रेन की मदद करने की बात कई बार सामने आई। ऐसा कहा गया कि कई मौकों पर रूस की सेना की लोकेशन की सटीक जानकारी यूक्रेन को उन्हीं सैटेलाइट के दम पर मिली। रूस के जंगी जहाज मॉस्क्वा के डूबने में भी सैटेलाइट से मदद मिलने की खबरें सामने आई थी और इसके पीछे अमेरिका का हाथ होने का दावा किया गया था। लेकिन अब रूस के इस हथियार से यूक्रेन की मददगार सैटेलाइट पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। रूस के मुताबिक 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहे सैटेलाइट को लेजर वेपन आसानी से निशाना बना सकता है और अपनी घातक किरणों का इस्तेमाल करके उन्हें नाकाम कर सकता है। इस बीच खबर है कि नेटो का सदस्य तुर्की खुलकर पुतिन के साथ खड़ा हो गया और उसने रूस के साथ कारोबार खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। मतलब ये कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की को अपने पाले में करके बिना लड़े ही सैन्य संगठन नेटो के दो टुकड़े कर दिए। और ये हुआ तुर्की की वजह से, क्योंकि नेटो का सदस्य होने के बाद भी तुर्की और रूस के बीच लंबे वक्त से अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। तुर्की रूस से गैस के साथ हथियार भी खरीदता है जो नेटो के दूसरे देशों को पसंद नहीं है। दावा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद तुर्की पर इस बात का दबाव बनाया गया कि वो रूस से अपने सारे संबंध खत्म कर दे, लेकिन तुर्की ने ऐसा कुछ भी करने से साफ मना कर दिया। उसका साफ कहना है कि इस जंग की वजह से वो पुतिन के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। मतलब ये कि पुतिन ने बिना लड़े ही तुर्की को अपने खेमे में करके नेटो के दो हिस्से कर दिए। कुछ रोज पहले ही तुर्की ने नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़े स्वीडन और फिनलैंड का विरोध किया था। दोनों देशों पर तुर्की ने आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करने की धमकी भी दी थी। अगर ऐसा हुआ तो फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में शामिल होने का प्लान धरा का धरा रह जाएगा। जिसका मतलब ये कि नेटो में रहते हुए तुर्की इसके विस्तार के खिलाफ है, जो रूस के लिए अच्छी खबर है। खबर ये भी है कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में सदस्यता के बहाने तुर्की अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि उसकी मंजूरी के बिना फिनलैंड और स्वीडन को इस संगठन में शामिल नहीं कराया जा सकता। जिसके लिए तुर्की का हथियार नेटो का वो नियम है जिसके तहत किसी भी नए सदस्य को जोड़ने के लिए मौजूदा सभी सदस्य देशों की मंजूरी जरूरी है और फिलहाल 30 देश नेटो के सदस्य हैं, जबकि तुर्की 1952 से ही सैन्य संगठन का हिस्सा है। ऐसे में अमेरिका को भी पता है कि स्वीडन और फिनलैंड को रोकने के लिए तुर्की वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए अब तुर्की अपनी सहमति के लिए अमेरिका से इसकी कीमत वसूलने में जुटा है और उसने रूस से अपने संबंध नहीं तोड़ने का ऐलान कर ये जाहिर भी कर दिया। यूक्रेन के उत्तर में मौजूद चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट के पास भीषण आग लगने से लोग दहशत में आ गए। यह आग प्लांट के नजदीक बसे जंगल में लगी जो कुछ ही देर में 100 एकड़ से भी ज्यादा इलाके में फैल गई, जिसके बाद वहां से आग की कई फीट ऊंची लपटें उठती नजर आईं। जंगल में लगी आग की वजह से पूरे इलाके में धुआं इस कदर फैल गया कि ठीक से दिखना भी मुश्किल हो गया। हालांकि कुछ ही देर में दमकल की कई टीमों को वहां भेज दिया गया। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के साथ ही जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को भी वहां से निकालने में मदद की। लेकिन बड़ा खतरा परमाणु प्लांट को लेकर था, जिसे हर हाल में आग की लपटों से बचाना था। बताया गया कि आग एक्सक्लूजन जोन के नजदीक लगी थी, जो चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के 30 किलोमीटर के रेडियस में फैला वो इलाका है जहां कोई नहीं रहता, क्योंकि प्लांट में 36 साल पहले हुए हादसे के बाद से वहां भयानक रेडिएशन है। ऐसे में दमकल कर्मियों के सामने प्लांट की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती थी। ये वही परमाणु प्लांट है जिस पर रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के पहले ही दिन कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में यूक्रेन ने इसे रूस से छीन लेने का दावा किया था। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें जेलेंस्की के जवान समंदर में लगाई जाने वाली बारूदी सुरंग को नष्ट करते दिखाई दिए। ये वीडियो यूक्रेन के ओदेसा इलाके का बताया गया, जहां यूक्रेन के सैनिकों को समंदर किनारे एक बड़ी सी माइन यानी समुद्र में लगाई जाने वाली बारूदी सुरंग नजर आई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि ये बम रूस का है जो पानी में बहकर किनारे आ गया, जिस पर नजर पड़ते ही सैनिकों ने पहले उसकी जांच की। जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो उसे खोलकर देखा गया। इसके बाद उसे दूर ले जाकर एक गड्ढे में डाला और फिर नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन का इल्जाम है कि रूस ऐसे बमों का लगातार इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए समुद्री तटों पर भी उसके जवान नजर बनाए हुए हैं।